भाई अपने आज चलना पड़ेगा भाई, बहुत प्रसिद्ध है, बंदे और ले जाना एक बंदे हाँ बंदे ही बंदे आज विजय बस में बैठा दिए गए हैं पूर्व किसान पूरे के पूरे पूरे ले भाई विजय भाई अंदर क्यों माल बेच रहे हो अपने दांत ने दूसरी बार देखो भाई प्रशासन पूरा आप लोगों की देख लो कितनी टुकड़ियां लगा दी और बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक हमारे देखो बहुत ये देखो बस ये पूरे की पूरी पीछे आगे देख लो भाई किधर है पीछे अच्छा उस बस में प्रसाद पूरी बस भर भर के पूरे सैनिकों की नाम तो जवानों के उठाई जा रही है जवानों को पता नहीं लेकिन वो जो है इन्हीं भी पकड़ लो एनएफसी की मांग के बीच में है सभी जवान लेकिन है उनको ये नहीं पता कि जवानों की मांग नहीं है वो ओनली अफसर की मांग है कौन सी एनएफयू एनएफसी तो कोर्ट ने उनको कोर्ट मान भी लिया कोर्ट ने अभी तो कोर्ट ने बोला ठीक है मिलना चाहिए इनको नहीं वो कोर्ट में सर मेरे ख्याल से मांग जायज ही नहीं है पेपर भाई चलेंगे नहीं पेपर में आ चुका है पेपर में आया होगा लेकिन अभी जजमेंट नहीं आई जो पेशी हुई थी उसके अंदर सरकार नहीं पहुंची है बैठ जाओ सर बैठ जाओ आप देखो नहीं क्यों जगह है चले जाओ हाँ वो हम तो ये चल रहे हैं बैठ जाओ आराम से वो शायद अंदर की जानकारी लेके आए कि सरकार ने जो है अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए हैं देखो भाई मैं तो चारों तरफ से देखो प्रशासन आप लोगों के देख पूरे बैरिकेड और मोदी सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था मोदी सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था इतनी देखो ये अब दूसरी साइड में देखो ये देखो ये देखो काम करना पड़ता मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है जो प्रेशर होता है अगर कोई जो है क्लास वन अफसर जो है वो नेता की ये संविधान के लोकतंतर में हो रहा है कि जवानों की मांग तो उसकी जो है सरकार में हाँ हाँ ये तो आगे की बस है ये देखता हूँ सर ये देखो उसको जो है नेशनल प्रमोशन नहीं मिलती इसलिए जो है ये सरकार द्वारा ये देखो कितने ये सारी विषय प्रशासन की ये भी देखो फौजियों की विषय भर भर के और ये देख लो भाई एनएफयू के रूप में जो पूरा जो बेनिफिट वो मिले भाई वास्तव में मोदी सरकार ने ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया कि सैनिकों की मांगे मानने की बजाय उनका दमन ही कर दो उनका गला घोट दो कि उनकी आवाज ही बाहर ना निकले ये सब प्रशासन के यहाँ आप पे आगे स्पीकर देख लो ये सब किसी नेता के प्रशासन की वजह से नौकरी नहीं करते अब ये चले उनके ऊपर ऑर्डर लागू नहीं होता तो यहाँ सी बात है बहुत सारे मामलों में जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सेना ये खुद जवाब दे चुकी है जवानों के मामले में कि सेना के अंदर जो भी एसीआर जो पॉइंट सिस्टम होता है प्रमोशन के लिए वो कभी गलत नहीं भरा जाता है और किसी जवान की जो है वो प्रमोशन डाउन करने के लिए उसका प्रमोशन रोकने के लिए एसीआर खराब नहीं की जाती है तो इसका मतलब साफ है अगर जवान की एसीआर कहीं गलत खराब नहीं की जाती तो यार सी बात है अफसर की भी ऐसे ही है अफसर की भी कोई एसीआर खराब नहीं करता होगा क्योंकि उसके सीनियर अफसर ही उसकी एसीआर बढ़ते हैं तो इसलिए जो सेना का जब किसी पॉलिटिकल या कहीं और कुछ जो उसका एसीआर डाउन का गलत एसीआर डाउन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है तो इसलिए एनएफयू कैसे मिल जाएगा अफसर को सेना के अफसर को एनएफयू नहीं मिलेगा और ना ही उनका हक बनता है ठीक है सर